और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं, इसीलिए हम और हमको पापा जो है। गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सभी को जय गुरु। तो आप लोग का जैसा डिमांड था कि सोनू का जो वीडियो है उस पर आप लोग उसका क्लिप दिखाइए हम लोगों को कि कैसे बात करता है, जो लोग नहीं देखे हैं उन लोगों को नहीं आइडिया है कि किस तरीके से बात करता है। तो आज इस वीडियो में उसकी क्लिप मैं ऐड कर दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आप लोग को बिलीव नहीं होगा कि इतना अच्छी तरीके से और ऐसे बोल सकता है वो बच्चा। सच बताऊँ मुझे तो उसे देख करके विश्वास नहीं होता है कि कोई इतना 11 साल का बच्चा इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है, सीएम के पास चला जाता है। हम और आप डरते हैं, घबराते हैं जाने से, और वो छोटा बच्चा इतना साहस रखता है। वीडियो स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोग उसकी बातें सुन पाइएगा। और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती। इतना छोटा सा बच्चा कितना साहस रख रहा है, कितना बोल रहा है, बता रहा है सच्चाई। सच्चाई बताने की सबसे मेन जरूरी है कि सच्चाई बताने की साहस है, क्योंकि हमें और आप में सच्चाई बताने की साहस नहीं होती है। ये बच्चा इतना साहस करके सच्चाई बता रहा है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं होती है। सच में बिहार का स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए बच्चे सरकारी मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसकी शिक्षा अच्छी नहीं है, हम जानते हैं, इसीलिए हम और हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। और जैसा देखे कि वो बच्चा अपने पिताजी के बारे में बता रहा है कि उसके पिताजी ड्रिंक करते हैं और जो भी पैसा होता है वो सारा पैसा वो खर्च कर देते हैं पीने में ही, और ये बच्चा खुद ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को, ये पैसा लेकर के आता है, वो पैसा भी खर्च होता है, वो पीने में खर्च कर देते हैं, तो ये बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा। और क्योंकि सरकारी स्कूल की का जो शिक्षा है वो इसे पसंद नहीं है, ये नहीं पढ़ सकता है वहाँ, तो ये नहीं पढ़ पा रहा है। इसके ये इतना है कि ट्यूशन पढ़ा करके बच्चों को ये खुद पढ़ सकता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की तो फी भी जब बहुत ज़्यादा होती है कि तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, इतना जितना वो कमा लेता होगा उसमें से कहाँ हो पाएगा। और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। पढ़ाते हो? यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा के नीचे। सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि एक आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एक आदमी थे उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। आप लोगों की चाहत थी कि मैं इस बच्चे की क्लिप दिखाऊं, वॉइस सुनाऊं कि कैसे ये बोलता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि और भी जो लोग देखें उनको हिम्मत हो, साहस मिले, चाहे बड़े लोग हों, बड़े हों छोटे हों, इसे इस बच्चे को सुन करके सब में एक हिम्मत जागती है। हम तो बहुत इस बच्चे को सुनते रहते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इसकी बातें, जो इतना अच्छा से बोलता है, इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, मैं बहुत सुनती हूँ इस बच्चे को। और तो आप लोग इसको बहुत शेयर करिए, तो और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।